सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सस्का। इस वीडियो में हम आप लोगों को बीप एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट पांच सेटिंग दिखाऊंगा। अगर ये पांच सेटिंग आप देख लेगी तो इस बीप एप्लीकेशन चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इजी हो जाएगी। तो सब कुछ एक एक करके मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो में लाइक कीजिए, अगर हेल्पफुल नहीं लगा है तो वीडियो में डिसलाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेनू में आप चले जाइए, यहाँ पर थ्री डॉट या तीन लाइन पे आप क्लिक कीजिए। सबसे नीचे यहाँ पर जो देख रहे सेटिंग, यहाँ पर सेटिंग्स में आप क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नंबर से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप चार्ट में आप क्लिक कीजिए। चार्ट सेटिंग में क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे बैकअप, तो बैकअप क्या होता है, यहाँ पर मैं बैकअप में क्लिक किया। बैकअप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देख रहे बैकअप माई डाटा, एंड यहाँ पर बैकअप माई डाटा यहाँ पर इनेबल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे डाउनलोड का आइकन, यहाँ पर आप क्लिक करेगा तो क्या होगा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यानी इस बीआईपी एप्लीकेशन में आपका लाइफ टाइम का रिपोर्ट आ जाएगी, यानी किसके साथ कौन सा फोटो सेंड किया, क्या वीडियो सेंड किया, सब कुछ आप देख पाएगी। एक डाटा यानी एक फाइल डाउनलोड होगी। तो मेरा तो ये मैं तो ये न्यू यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कोई भी डाटा अभी शो नहीं होगा। तो ओके, तो आई होप आपको पता चल गया है बैकअप का मतलब क्या होता है। ओके, तो अभी दूसरी ट्रिक देख लेते हो। तो यहाँ पर जो देख रहे चार्ट वॉलपेपर, चार्ट वॉलपेपर में क्या होता है, यहाँ पर मैं चार्ट वॉलपेपर में क्लिक किया। चार्ट वॉलपेपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देख रहे बहुत ही देर सारा यहाँ पर वॉलपेपर देख पाएगी। तो ये क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर कोई भी आप वॉलपेपर चूज कीजिए, तो यहाँ पर लोडिंग ले रहे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक वॉलपेपर में यहाँ पर सेट करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक किया ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी एक बार क्लिक करने से। तो अभी मैं होम पेज में चले जाता हूँ। ओके, होम पेज में चले जाने के बाद यहाँ पर जो देख रहे मैं अभी किसी का साथ चार्ट करूँगा, तो ये जो मैं वॉलपेपर सेट किया यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो चुके। तो आपका मर्जी से कोई भी वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी पहली जो सेटिंग में मैं चले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे ऑटोमेटिक डाउनलोड, ये क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाईफाई में रख दीजिए। वाईफाई में रखने के बाद यहाँ पर जो देख रहे सेव टू गैलरी, ये डिफॉल्ट ऑफ ही रहते हैं या फिर डिफॉल्ट ऑन ही रहते हैं, जो भी है यहाँ पर ऑन कीजिए। तो इससे क्या होगा बीप एप्लीकेशन में कोई कुछ भी आपको फोटोज वीडियो सेंड करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका फोन का गैलरी में चले जाएगी। आप ऑटोमेटिकली आपका फोन का गैलरी में चले जाएगी, आपको डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तीसरी ट्रिक का बात करें तो यहाँ पर जो देख रहे लास्ट स्क्रीन, तो लास्ट स्क्रीन व्हाट्सएप में क्या होता है आपको तो पता होगा। ओके, तो लास्ट स्क्रीन यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, यानी आपका लास्ट स्क्रीन कोई यानी आपका लास्ट स्क्रीन किसी को शो कराना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं ये आपका मर्जी है। तो इनेबल या फिर ऑफ आपका मर्जी से कीजिए। उसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने चले जाइए, जाने के बाद यहाँ पर जो देख रहे रियर डिपिट्स, ये क्या होते हैं रियर डिपिट्स, ये रियर डिपिट्स व्हाट्सएप में भी है, इमो पे भी है। ओके, तो रियर डिपिट्स यानी मैं दूसरी किसी के साथ चैट कर रहा हूँ। ओके, यानी सेंड करने से पहले मैं क्या टाइप कर रहा हूँ वो देख पाए, तो ये आप ऑन कीजिए या फिर ऑफ कीजिए, ये आपका मर्जी है। ओके, तो अभी दिखाऊंगा आप ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, किसी को भी ब्लॉक कैसे कर सकते हैं या फिर अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप में लाइक आप जैसे करते हो, तो इसके लिए आप किसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका प्रोफाइल में आप चले जाइए। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल में क्लिक किया, एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने गया, सबसे नीचे स्क्रॉल करने चले जाने के बाद यहाँ पर जो देख रहे ब्लॉक कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक में आप क्लिक कीजिए। ब्लॉक में क्लिक करने के बाद अभी ब्लॉक हो चुके, अभी आप बैक में चले जाइए, होम पेज में चले जाइए। जाने के बाद यहाँ पर जो देख रहे मैं जो ब्लॉक किया, यहाँ पर ब्लॉक का आइकन भी यहाँ पर शो हो रहा है। अभी मैं इसके प्रोफाइल में मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो देख रहे यू हैव ब्लॉकेड दिस कॉन्टैक्ट। ओके, तो अभी आप अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आप मेनू में चले जाइए, यानी थ्री डॉट या थ्री लाइन पे आप चले जाइए, एंड यहाँ पर सेटिंग्स में आप क्लिक कीजिए। सेटिंग में क्लिक कीजिए, सेटिंग में चले जाइए। जाने के बाद यहाँ पर जो देख रहे ब्लॉकेड कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जिसको आप ब्लॉक किया यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर देख पाएगी, किसको किसको ब्लॉक किया यहाँ पर आप देख पाएगी। तो यहाँ पर जो देख रहे मैं जिसको ब्लॉक किया यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैं क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर मैं नीचे स्क्रॉल किया, जाने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं अनब्लॉक कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैं क्लिक किया। तो अभी इस व्यक्ति अभी अनब्लॉक हो चुके हैं। ओके, लाइक आप व्हाट्सएप में जैसे करते हैं। तो ये ट्रिक भी बहुत ही लोग नहीं जानते हो क्योंकि ये एक न्यू एप्लीकेशन है। तो सबसे लास्ट सेटिंग, ये सेटिंग दिखाने के बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो सेटिंग रहेंगे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेनू में आप चले जाइए, मेनू में जाने के बाद फिर आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख पाएगी अपीयरेंस, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अपीयरेंस में क्या होता है, यहाँ पर अपीयरेंस में थीम होता है यानी कलर होता है, बैकग्राउंड का कलर। यहाँ पर जो देखिए नाइट मोड, नाइट ब्लू, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यानी बैकग्राउंड कलर और भी यहाँ पर मिल जाएगी अपने हिसाब से। आपको जो कलर आपको पसंद आए ये कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए अभी बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुके हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।